अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट नवीदा वहीद। नाज़रीन, बड़ी जबरदस्त बजट फ्रेंडली आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि आपको पता है, मार्केट में आजकल बहुत ही जबरदस्त और रसी हुई जो है ना स्ट्रॉबेरी आई हुई है, ठीक है? तो ये मैं मार्केट से ले आई, ठीक है? इसका आज हम बनाएंगे जैम। बहुत मजे का होता है, बहुत हेल्दी होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, ठीक है? शुगर के लिए बहुत अच्छी है। तो बिस्मिल्लाह करके अपनी स्ट्रॉबेरी जैम जो है स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले इसके अंदर कुछ साबुत जो है ना स्ट्रॉबेरी में डालूंगी, ठीक है? अब मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूंगी, ठीक है? शुगर को हम एज इट इज ऐड कर लेंगे। अच्छा, ये जो क्वांटिटी है ये आप अपनी पसंद के मुताबिक, जितना आप, अगर आपकी फैमिली ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बना लें। सिर्फ 80 रुपीज़ की 1 kg जो है ना ये मिल रही है स्ट्रॉबेरी, ठीक है? ये तकरीबन 1 किलो स्ट्रॉबेरी का मैं बनाऊंगी और इसमें मैं 1/2 kg शुगर ऐड करूंगी। शुगर आप कम भी कर सकते हैं। ये 1/2 kg शुगर इसमें चली गई। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं मिक्स करूंगी। ये मिक्स हो गया, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढकूंगी और अपना दूसरा काम करते जी। नाज़रीन, अब जो है दूसरा हमारा काम ये है, उसको मैंने ढक के रख दिया शुगर ऐड करके उसमें, ठीक है? अब हमारा दूसरा काम ये है, सबसे पहले ये जो हमारा जग होता है, इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की स्मेल होती है। अब इससे पहले जो है ना हमने क्या इसमें किया था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी चीज़ आप बना रही हैं, जो भी शेक आप बना रही हैं, उसका छोटा सा काम कर लें। ये 1 स्ट्रॉबेरी मैं इसमें डालूँगी, ठीक है? और इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। जी नाज़रीन, ये इसमें कोई छोटे मोटे पीस आप डाल लें या जो भी चीज़ आप इसमें बनाना चाहती हैं, जैसे बनाना शेक है, मैंगो शेक है, आप बेशक उसका कोई एक छिलका छोटा सा डाल लें, पानी डाल लें। सबसे पहले हम इसको शेक करेंगे ताकि इस जग के अंदर जो है ना स्ट्रॉबेरी की खुशबू आए, ठीक है? इसको हम अच्छे से शेक करके गिरा देंगे। जी, सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने इसे चलाया, देखें कितना ज़बरदस्त पिंक पानी बन गया। इसको मैं गिरा दूंगी। अब जो हमारा जग है वो रेडी है, हमने इसको ब्लेंड करना है। जी नाज़रीन, अब हम जो है ना इनको शेक करेंगे विदाउट वाटर। वाटर हम इसमें नहीं डालेंगे, वाटर का कोई काम नहीं है। किसी भी सूरत में हमारा जो पानी है ना वो इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक हो गया? इसको मैं ब्लेंड करने की कोशिश करती हूँ। जी ये देखें कितना ज़बरदस्त ये ब्लेंड हो चुका है। अच्छा नाज़रीन, आप चाहें तो इसको छानने, लेकिन छानने से इसके जो बारीक बारीक इंतहाई बारीक इसके जो बीज होते हैं वो निकल जाएंगे। हम इसको इसलिए नहीं छानेंगे, हम ज़्यादा बारीक कर लेंगे ताकि वो जो फ़ायदेमंद चीज़ है वो इसके अंदर ही मौजूद रहे, ठीक है? जी ये देखिए, बिल्कुल एक गाढ़ा लिक्विड ये बन चुका है, ठीक है, मुलायम किस्म का। अब जो है ना हम अपना अगला काम करते हैं। ये देखिए नाज़रीन, इसको इस तरह रखने का मकसद ये है कि इसका जो जूस है, पानी है, वो चीनी के अंदर निकल आए और जब हम इसको पकाएं तो ये इसको पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए और ये जो हमारी स्ट्रॉबेरी है ये इसी सूरत में, ठीक है? इसको मैं अब ऊपर रखूंगी चूल्हे के इसको पकाने के लिए। जी मेरी प्यारी बहनों, इसको मैं बिल्कुल लाइट सी हीट पे रखकर इसको ढक दूंगी। अगर हमारे पास टाइम हो, क्योंकि मैं अब वीडियो बना रही हूँ, अगर हमारे पास टाइम हो तो हम 1 घंटा पहले जो है ना इसको चीनी में डाल के रख देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से निकल आए। लेकिन अब जब ये हल्की हीट पे गर्म होगा, बस हल्की हल्की हीट हमने देनी है पहले,
तो इसका सारा पानी जो है ना वो चीनी में निकल आए, ठीक है। तो इसको थोड़ा टाइम देते हैं और फिर मिलते हैं। जी नाजीन, चीनी जो है हमारी हल्की सी मेल्ट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं ये जो हमने ब्लेंड किया था स्ट्रॉबेरी को, उसका जो लिक्विड है वो मैं डाल दूँ, ठीक है। तो लिक्विड भी मैं डाल चुकी हूँ, अब हम इसको बिल्कुल हल्की आग पे पकने देंगे और इसको वक्फे वक्फे से चेक करते रहेंगे, ठीक है। ये स्ट्रॉबेरी भी हमारी बीच में है, ये भी पकेगी और फिर मैं बताती हूँ कि हम इसको पकाते पे किस कंडीशन में ले जाएंगे। प्यारी बहनों, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहन की हौसला अफजाई करें, ठीक है। तो अभी इसको टाइम देते हैं, हल्की आग पे मैंने इसको रख दिया, इसको पकने देते हैं। लेकिन ये ख्याल रखना है ये उबल ना जाए, ठीक है जी नाज़रीन। जैसा कि ये ऊपर आ रहा है, अब हम जो है ना ऊपर से मैं इसकी झाग जो है ना बड़े आराम आराम से हम ये झाग उतार देंगे और चूल्हे को बहुत हल्का कर लेंगे। अच्छा प्यारी बहनों, ये मैं आपको बता दूं, 1 किलो स्ट्रॉबेरी में आप 1/2 kg जो है ना चीनी यूज़ करेंगे, ठीक है। स्ट्रॉबेरी को 2 दफ़ा धोएंगी अच्छे से हल्के हाथों से मल मल के, उसके बाद उसका जो ग्रीन पार्ट है या उसमें कोई गली हुई या ख़राब है उसको आप निकाल के साफ़ सुथरी अपनी स्ट्रॉबेरी जो है ना वो निकाल लेंगे। और फिर अगला प्रोसीजर मैंने आपके सामने किया है, ये जो झाग है ना ये मैं सारी उतार लूँगी नीचे जो है ना। ये देखें सर, माशाल्लाह खुदा की कुदरत देखें कि कितना खूबसूरत कलर आया है। जी नाजरीन देखें, जैम हमारा तकरीबन तैयारी के मराहल में है, ये तैयार हो चुका है। ये देखें इतना गाढ़ा है, ठीक है। ये ठंडा होगा और भी गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अब बस ये तकरीबन तैयार हो चुका है, चूल्हा बंद करूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी। ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है, ठीक है। जी नाजरीन, फाइनली हमारा जैम जो है वो रेडी हो गया। आप ज़रा इसकी शक्ल देखें, इसका कलर देखें, सुभान अल्लाह, ज़रा इसकी कंसिस्टेंसी देखें। ये ज़रा ये जो हमने साबुत डाली थी स्ट्रॉबेरीज, ये ऐसे ही रहेंगी और इसके चंस भी इसमें कुछ मिक्स हो गए हैं, ये ज़रा देखें आप, ये देखें इतना हम रखेंगे, ये देखें गाढ़ा जो है वो इतना रखेंगे। फ्रिज में ये और गाढ़ा हो जाएगा ना, तो ये ख़राब होगा मेरी प्यारी बहनों, और इतना मज़े का और ज़बरदस्त होगा। अब आप को ये तसल्ली है कि इसके अंदर कितने हमने फ्रूट डाला है, ठीक है, कितनी हमने इसमें स्ट्रॉबेरी डाली है, ठीक है। अब मैं इसको जार में निकाल लूँगी। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं तकरीबन 1 kg के करीब, बल्कि उससे भी ज़्यादा ही इसका वज़न होगा। ये हमारा जैम तैयार हो गया है, 1 किलो स्ट्रॉबेरी और 1/2 kg जो थी ये हमारी शुगर थी, ठीक है। इतना मज़े का, इतना सेहतमंद हमारा ये जो है ना जैम तैयार हुआ है। मेरी प्यारी बहनों, घर पे ज़रूर तैयार करें, बजट फ्रेंडली है और हाइजेनिक है। और इसके साथ ही अब इस रेसिपी को मुकम्मल करते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।